Greetings to all of you. Hello everyone. Welcome to the Exam Castle. And today we are going to look at our daily current affairs from 19 January 2021. जैसे कि हमारा टाइटल है, आज हम लोग देखेंगे हमारे डेली करंट अफेयर्स आपके 19 जनवरी 2021 के. ठीक है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है. ओके, और साथ ही साथ इस समय मैं आपको गुड मॉर्निंग विश करना चाहूँगा, बिकॉज मॉर्निंग के 4 बज गए हैं ऑलमोस्ट. ठीक है, 4 बजे मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ. आज आपने चेक किया होगा चैनल पर, ऑलरेडी मैंने 2 से 3 वीडियो अपलोड किए थे आज डेली करंट अफेयर सीरीज़ के जो पेंडिंग में थे. ठीक है, अब डेली हम लोग अपलोड तो करते ही रहते हैं अब आपके करंट अफेयर्स के वीडियो. साथ ही साथ अब कल से हमारे चैनल पर वोकैब पर हमारा ज़्यादा फोकस होगा. ठीक है, वोकैबुलरी जो है आपकी हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स. ठीक है, सो हमारा टारगेट है 30 जनवरी तक आपके ऑलमोस्ट 300 वर्ड्स यहाँ पर कंप्लीट करना. ठीक है, सो उस लिहाज से मैं वोकैब पर पूरा अपना फोकस रखूँगा, साथ ही साथ जीके भी चलते रहेगा और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स हम लोग अपलोड करते रहेंगे. साथ ही साथ एक बात बता दूँ, वीकली जीके का जो मैंने आपको कहा था कि वीकली जीके की रिवीजन भी हम लोग करेंगे, तो फिलहाल एज पर यूट्यूब एनालिटिक्स रिस्पॉन्स कुछ मिल नहीं रहा है इस जीके की सीरीज़ को. ओके, बट मैं ऐसा तो नहीं है कि वो वीडियोज़ बनाऊँगा ही नहीं. अगर आप कमेंट करके मुझे बताते हो, वीडियोज़ लाइक और शेयर करते हो, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ ये सीरीज़ से आपको फ़ायदा हो रहा है. बिकॉज मेरी थिंकिंग ये है कि रैंडम PDFs ऐसे शेयर कर देना, ठीक है, आपको बोल देना कि हाँ ये पढ़ लो, उससे अच्छा है कि हम लोग इंटरएक्टिव वे में सेशंस रखें. जैसा डेली जीके हम लोग एग्ज़ाम कैसल पर डिस्कस करते हैं, हमारा सेशन इंटरएक्टिव होता है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स ही हम डिस्कस करते हैं. बिकॉज बहुत सी यूजलेस न्यूज़ होती है जिससे आपका PDF अगर बना रहे हो तो 50 से 100 पेज का तो हो जाएगा, बट एक्चुअल एग्ज़ाम से उसका कोई लेना देना नहीं रहता है. ठीक है, इसीलिए कंटेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहना चाहिए और इंटरएक्टिव रहना चाहिए, ये मेरी सोच है. बट हमारी जो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है ये नॉन स्टॉप चलते रहेगी. मैंने आपसे कहा है नेक्स्ट दिसंबर तक, ठीक है, 2021 तक देर इज़ नो स्टॉपेज, आई विल बी रेगुलरली हियर फॉर यू. ओके, और अगर आप मुझे रिस्पॉन्स देते हो, कमेंट करके बता दे हो कि हाँ आपको वीकली जीके की रिविजन भी कराना है, तो वो भी मैं डेफिनेटली करा ही दूंगा. एट द एंड ऑफ द मंथ, होल मंथ का जो करंट अफेयर्स है हमारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड, वो तो हम लोग अपलोड करेंगे ही. बिकॉज ये जो वीडियोस है, ठीक है, अभी मैं समझ सकता हूँ स्टूडेंट्स थोड़े रिलैक्स है, ठीक है, एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा टाइम है, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा प्रिपरेशन का, तो ये चीज़ें भी काम में आएगी. और मैंने बहुत पहले आपसे बताया है जीके प्रिपरेशन को इग्नोर मत करो. ठीक है, जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 to 40 मिनट्स एटलीस्ट रीडिंग पे दो और करंट अफेयर्स जो है ये नोट करते रहो. बिकॉज किसी एग्ज़ाम में अगर जीके पूछा भी नहीं जाता है, ओके, अगर आप वो एग्ज़ाम क्रैक करके नेक्स्ट राउंड पे जाते हो ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू पे, तो वहाँ करंट अफेयर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. ठीक है, फिर अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करते हो अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, जनवरी फरवरी में आपके इंटरव्यू है, तो उन 2 महीने के विंडो में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है पूरे साल का करंट अफेयर रिवाइज करना. ठीक है, प्रिपेयर करना. ठीक है, सो अभी से आप थोड़ा टाइम इस पर डिवोट करो, बी सीरियस. ठीक है, बिकॉज जीके एक स्कोरिंग एरिया है और करंट अफेयर्स जो है ये हमें बैंकिंग एग्ज़ाम में भी हेल्प कर सकते हैं बहुत स्कोर करने के लिए, साथ ही साथ आपके MBA एंट्रेंस लाइक IFT, CMAT, TIS, इन सब में भी आपको डेफिनेटली इनसे हेल्प होगी. सो डेली 30 to 40 मिनट्स डिवोट करो अपने जीके के प्रिपरेशन पे. ठीक है, जीके को सीरियसली लो. ठीक है, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके जितना आप कर सकते हो करो, रीडिंग भी शुरू रखो. ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो. ठीक है, सो हमारा आज का फर्स्ट पॉइंट है, जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, आज की खुशी की बात है हमारे लिए, टीम इंडिया रिटेन्स द प्रेस्टिजियस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया बाय 3 विकेट्स एट द गाबा. ठीक है, गाबा में 4 टेस्ट हुआ आज. ठीक है, गाबा ऑस्ट्रेलिया का 4 टेस्ट कहा जाता है. पिछले 32 ईयर्स से ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर अनबीटन थी, बट आज इंडिया ने गाबा में ऑस्ट्रेलिया को डिफीट कर दिया. ठीक है, टीम एफर्ट था पूरा. ठीक है, ऋषभ पंत, उसके बाद में वॉशिंगटन सुंदर, चेतेश्वर पुजारा, ठीक है, अजिंक्य रहाणे की लीडरशिप, सो पूरा क्यूमुलेटिव टीम एफर्ट था. और इसी वजह से हम लोग, हमारे सुपरस्टार भले ही हमारे साथ नहीं थे, कोहली नहीं है, विराट कोहली नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं है, ठीक है, रविचंद्रन अश्विन नहीं है, बट फिर भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में
एट द गाबा में बीट करने में सफल रहे। सो ये बहुत प्राउड मोमेंट है, साथ ही साथ इंडिया ने 2-1 से सीरीज जीत ली है, ठीक है। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, सो ये लेजेंड्स के नाम पर है, आपको पता ही होगा एलन बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटिंग लेजेंड, सुनील गावस्कर जी हमारे इंडियन ग्रेट, ठीक है। सो इनके नाम पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है, ठीक है, और 2-1 से इंडिया ने सीरीज जीत ली है। मैन ऑफ द मैच रहे ऋषभ पंत, ठीक है, आपने देखा होगा प्रेजेंटेशन में, और मैन ऑफ द सीरीज रहे पैट कमिंस, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर है, ठीक है। सो काफ़ी बड़ी न्यूज़ है ये, इसे ध्यान में रखो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया एंड फ्रांस टू कंडक्ट एक्स डेजर्ट नाइट 21 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नियर जोधपुर, ठीक है। सो इंडिया और फ्रांस ये कंडक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, बायलेटरल एक्सरसाइज, उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स डेजर्ट नाइट 21, ठीक है, एक्स डेजर्ट नाइट 21। डेजर्ट पे से आपको लोकेशन का क्लू आ गया होगा कि राजस्थान की बात हो रही है, ठीक है। सो नियर राजस्थान में ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, सो एक्सरसाइज का नाम ध्यान में रखो, ठीक है, एक्स डेजर्ट नाइट 21 और इंडिया और फ्रांस के बीच में कंडक्ट होगी नियर जोधपुर। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 23 जनवरी एज पराक्रम दिवस, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया है कि अब से हर ईयर 23 जनवरी का जो डे रहेगा इसको एज अ पराक्रम दिवस सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है, ठीक है, सो इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए 23 जनवरी को अब से हर साल पराक्रम दिवस कह के उसे सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखते हो स्वामी विवेकानंदा जी के बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन पे जो हम डे सेलिब्रेट करते हैं उसे कहते हैं नेशनल यूथ डे, ठीक है। सो उसी तरह से पराक्रम दिवस भी अब सेलिब्रेट होगा 23 जनवरी को ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आई होप क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिच रेटिंग प्रोजेक्टेड इंडियाज़ GDP ग्रोथ टू +11%, ठीक है। फिच ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है अमेरिका की, सो इन्होंने प्रोजेक्शन दिया है इंडिया की जो GDP है, GDP होता है अब हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमने डिस्कस किया है पहले, ग्रोथ टू +11% इन द फिस्कल ईयर 2021-22 एज कम्पेयर टू -9.4% इन द फिस्कल ईयर 21। और फिस्कल ईयर 21 था आपका अप्रैल 2020 टू मार्च 2021। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो होती है वेरियस, सो ये हर साल GDP का प्रेडिक्शन देती है, और इंडिया के लिहाज से फिच ने जो प्रेडिक्शन दिया है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग हमारे फिस्कल ईयर 22 में इंडिया की GDP पॉजिटिव नोट पर ग्रोथ होगी, ठीक है, एज़ पर फिच रेटिंग एजेंसी। और वो नंबर आपको ध्यान में रखना है +11%, ठीक है। सो +11% की ग्रोथ प्रेडिक्ट की है, ठीक है। लास्ट फिस्कल ईयर में ये ग्रोथ कितनी थी तो उसे भी देख लो, -9.4%, ठीक है। सो -9.4% काफ़ी कम है, उसके कंपेरिजन में अब इस बार ऑप्टिमिस्टिक साइंस लग रही है पोस्ट कोरोना, सो अभी +11% ग्रोथ प्रोजेक्ट की गई है, ठीक है। आई होप ध्यान में रहेगा आपके नंबर्स, रेटिंग एजेंसी जब भी पूछते हैं सो एक्चुअल आपको नंबर पता रहना चाहिए कि ग्रोथ कितने परसेंट से हुई है, ठीक है। सो उस लिहाज से इसे ध्यान में रखो। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, ठीक है, ये भी अपॉइंटमेंट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। योवेरी कागुटा मुसेवेनी, ठीक है, योवेरी कागुटा मुसेवेनी री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा फॉर 6th term, ठीक है। युगांडा अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, और यहाँ पर 6वीं बार फिर से उनके राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम है योवेरी कागुटा मुसेवेनी, ठीक है। सो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, 6ठी बार वहाँ के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं युगांडा के, ठीक है। अब मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे टिपिकल नाम थोड़े टफ होते हैं ध्यान में रखने में, तो उनके इनिशियल लेटर्स ध्यान में रख लो, ठीक है। जैसे आप वाई याद में रखो, के याद में रखो और एम याद में रखो, सिंपली वाई के एम, इतने इनिशियल लेटर्स आप ध्यान में रखो। एग्ज़ाम में ऑप्शंस तो दिए ही रहते हैं, आपको क्लिक हो जाएगा, ठीक है, सो इजी हो जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम में कोई आपसे एग्जैक्ट स्पेलिंग चेक के साथ ऑप्शन कभी मार्क करने को कहेगा नहीं, बस सही ऑप्शन हमें मार्क करना है, इनिशियल लेटर्स याद रखो, काफ़ी आपको हेल्प होगी, ठीक है। और बात हो रही है युगांडा की, अफ्रीकन कंट्री है, तो स्टैटिक GK के हिसाब से हम हमेशा डिस्कस करते हैं जो भी कंट्री न्यूज़ में होती है उसकी कैपिटल और उसकी करेंसी, तो वो पॉइंट मैंने लास्ट में लिखा है, देख लो, स्टैटिक GK के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो कैपिटल है युगांडा की, उसका नाम है कंपाला, ठीक है, कंपाला कैपिटल है।
आपको नाम ध्यान में रखना है कंपाला, ठीक है। और करेंसी जो है, करेंसी का भी नाम ध्यान में रखो, करेंसी है युगांडा की शिलिंग, ठीक है। सो शिलिंग करेंसी है, ठीक है, और कंपाला कैपिटल है युगांडा की। और छठी बार जो प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम आपको याद में रखना है योवेरी कागुटा मुसेवेरी, ठीक है। आई होप क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ श्री सोमनाथ ट्रस्ट, ठीक है। सोमनाथ टेम्पल काफ़ी फेमस है गुजरात में, ठीक है, और श्री सोमनाथ ट्रस्ट के नेक्स्ट चेयरमैन कौन बने हैं, ठीक है। सो उनका नाम बहुत ईजी आपके लिए ध्यान में रखना, वो बने हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। सो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, सबों को पता है। सो नरेंद्र मोदी जी बने हैं नेक्स्ट चेयरमैन सोमनाथ ट्रस्ट के, ठीक है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, श्री सोमनाथ ट्रस्ट के नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, तो अनएनिमसली नरेंद्र मोदी जी को इलेक्ट किया गया है, ठीक है। अनएनिमस वोटिंग जो होती है, मतलब पूरे कंसेंट के साथ किसी ने अपोज नहीं किया है, ठीक है, आई होप ध्यान में रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, बुक्स के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बुक्स एंड ऑथर का जो क्वेश्चन आता है, सो उस लिहाज से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो। गोवा सीएम, करंट सीएम जो है गोवा के प्रमोद सावंत, ठीक है, प्रमोद सावंत अभी गोवा के सीएम है। सो उन्होंने रिलीज़ की है बुक, और उस बुक का नाम है मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है, मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड, गोवा के फॉर्मर सीएम, ठीक है, आपको पता होगा। सो उनके नाम पर बुक रिलीज़ की गई है, और इस बुक के जो ऑथर है उनका नाम भी इम्पोर्टेंट है, तो उनका नाम है वमन सुभा प्रभु, ठीक है। सो वमन सुभा प्रभु ये इस बुक के ऑथर हैं, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अब इनिशियल लेटर्स भी आप ध्यान में रख लेते हो तो इजी होगा एग्ज़ाम में रिटेन करने के लिए, WSP, ठीक है। सो WSP आप ध्यान में रखो, आपको ऑथर का नाम क्लिक हो जाएगा जिनका ओरिजिनल नेम है वमन सुभा प्रभु, ठीक है। आई होप क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। सो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया गाबा में, 32 इयर्स का जो अनबिटन रन था उसे एंड किया, 2-1 से सीरीज़ अपने नाम पर की, 2-1 से सीरीज़ जीत ली है इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर, और रिटेन कर ली है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ठीक है। उसके बाद में ऋषभ पंत मैन ऑफ द मैच बने, पेट कमिंस मैन ऑफ द सीरीज़ बने, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमने देखा इंडिया एंड फ्रांस ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करने जा रहे हैं नियर जोधपुर, जिसका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, X Desert Night 21, ठीक है, X Desert Night 21। डेजर्ट पे से आप गेस कर सकते हो राजस्थान की बात हो रही है, इसीलिए उसका लोकेशन है नियर जोधपुर, ठीक है, आई होप ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट हमने देखा 23 जनवरी अब से पराक्रम दिवस कहकर सेलिब्रेट होगा, ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट हमने देखा फिच रेटिंग एजेंसी ने इंडिया के GDP का प्रेडिक्शन दिया है, ग्रोथ प्रेडिक्शन एज +11%, ठीक है, और लास्ट ईयर उन्होंने प्रेडिक्शन दिया था फिस्कल ईयर 21 के लिए -9.4%। सो ये डिजिट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, +11% है फॉर द फिस्कल ईयर 22 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि युगांडा के प्रेसिडेंट फिर से कौन इलेक्ट हुए हैं फॉर द 6th कॉन्जिक्यूटिव टर्म, ठीक है, और फॉर द 6th टर्म इन जनरल, तो वो है योवेरी कागुटा मुसेवेनी। युगांडा की कैपिटल हमने देखी कंपाला, ठीक है, और करेंसी है वहाँ की शिलिंग, ये स्ट्रेटजी के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट हमने देखा श्री सोमनाथ ट्रस्ट के नेक्स्ट चेयरमैन वो बनेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, इजी है ध्यान में रखना। उसके बाद में नेक्स्ट हमने देखा जो बुक है मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है, इसे रिलीज़ किया गोवा के करंट सीएम प्रमोद सावंत इन्होंने, ठीक है, और इस बुक के ऑथर है उनका नाम आपको ध्यान में रखना है, उनका नाम है वमन सुभा प्रभु, ठीक है। सो इनिशियल भी आप ध्यान में रखो, WSP या वमन सुभा प्रभु, पूरा नाम ध्यान में रखो। सो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ओके, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दो, ठीक है, शेयर कर दो वीडियो को फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल एग्जाम कैसल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, साथ ही साथ बेल आइकॉन हिट कर दो सो दैट रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो विद दैट नोट गाइस, स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू टुमारो, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।